इधर इधर इधर। दोस्तों ये कुत्ता हमारे घर के पास घूमता रहता है, इसे चोट लग गई है और ये कुछ खा नहीं रहा था। हम इसे खाना देते हैं लेकिन ये कुछ खा नहीं रहा था, इसे चोट लगी है, अब इसका इलाज किया जाएगा। इधर बैठ बैठ जा बैठ बैठ जा। यहाँ से खून निकल रहा है, इसके चोट लगी हुई है और अभी यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिटॉल से धोया है और खून भी बह रहा था लेकिन हमने डिटॉल से यहाँ धोया है और अभी इसकी चोट को डिटॉल लगा के ठीक किया जाएगा। रुक जा, ये कुछ खा भी नहीं रहा है सुबह से। ये डेली हम इसे खाना देते हैं, डेली ये हमारे घर के पास घूमता है और इसे हम खाना देते हैं लेकिन ये अभी खा नहीं रहा था, इसे चोट लगी हुई है और बहुत खून भी बह रहा था। हालांकि मैंने डिटॉल से अभी साफ कर दिया है इसका खून और काफ़ी चोट अब रुक गई है, खून का बहना भी रुक गया है लेकिन अब हम इसे यहाँ पर जो है थोड़ा सा थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे। रुक जा रुक, ये देख रहे हो ये दर्द की निशानी है, ये जो हरकतें कर रहा है ये दर्द की निशानी है, इसे दर्द हो रहा है और अभी इसका खून भी निकल रहा था लेकिन अब काफी कुछ ठीक हो गया है इसका खून। और कहाँ लगे हैं तेरे को, देखा जरा कहीं लगा तो नहीं है? और कहाँ से पिट के आया है ये, कहाँ पता नहीं कूद के आया है। चलो ठीक है बाकी, क्योंकि ये जहाँ बैठा था वहाँ पे खून के दाग बन गए थे, वहाँ पे खून के दाग बन गए थे और इसे खून बह रहा था। अब वही मैं देख रहा हूँ कि इसे और कहीं तो नहीं लगा है, कहीं कट का निशान तो नहीं है। और लोगों को बहुत डर लगता है कि ये काट देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप अगर इनके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो ये आपको कभी नहीं काटेंगे। ये मेरा कोई पला हुआ नहीं है, ये सड़क का कुत्ता है, सड़क से उठा के लाया हूँ मैं, ऐसे खून में रहता है इसे। अभी मैंने इसकी पट्टी कर दी है और अब देखते हैं, बाकी तो ठीक है, कहीं नहीं है। इतना खून क्यों बह रहा है? ये कट का निशान था वो ठीक हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दवाई लगा दी है। देखो यहाँ मैंने दवाई लगा दी है और ये कट का निशान अब इसका भर गया है, ये कट का निशान यहाँ भर गया, यहाँ से खून बह रहा था। चलो ठीक है, चल हो गया, चल ठीक है।